राज्यसभा में मोदी की 90 मिनट की स्पीच। अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का किया जिक्र। SC ST के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे। 90 मिनट की स्पीच की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की और मोदी 3.0 पर खत्म किया। इस दौरान वे नेहरू, राहुल, OBC, SC ST, आरक्षण और PSU समेत कई मुद्दों पर बोले। उन्होंने कांग्रेस के लिए युवराज और कमांडो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पीच की शुरुआत में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मुझे 400 सीटों का आशीर्वाद दिया। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज मिला है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। ममता बनर्जी ने कहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं बचा पाएगी। अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने कहा कि मैं आदर पूर्वक नेहरू जी को याद करता हूं। एक बार नेहरू जी ने चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने CM को लिखा था। तब मैं कहता हूं कि जनजात विरोधी है। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर SC ST OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। दरअसल इस साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर BJP कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती। यही वजह है कि पीएम मोदी ने संसद में एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। राजसत्ता TV पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।